इनके ब्रिसेजर्स दे रखे हैं और इनके ड्यूरेशन दे रखे हैं एक्टिविटी कौन कौन सी हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक ए डैश दे रखा है इसका मतलब ए स्टार्टिंग एक्टिविटी है बी फॉलो कर रही है ए को सी फॉलो कर रही है ए को डी फॉलो कर रही है ए को और ई e, फॉलो कर रहा है सी डी को इसका अंदर सी डी मर्ज एक्टिविटी रहेंगे एफ फॉलो कर रहा है डी को जी फॉलो कर रहा है ई e को एच फॉलो कर रहा है जी को आई फॉलो कर रहा है एफ कॉमा एच को इसका मतलब एफ और एच भी मर्ज एक्टिविटी रहेंगे और जे फॉलो कर रहा है बी कॉमा आई को इसका मतलब बी कॉमा आई भी मर्ज एक्टिविटी रहेंगे ठीक है इनके टाइम ड्यूरेशन दे रखें आपको ए के रेफरेंस में थ्री डेज बी के रेफरेंस में टू डेज सी के रेफरेंस में सिक्स डेज अप टू डेस जे के रेफरेंस में ट्वेंटी डेज लगेंगे क्या करना है आपको फाइंड आउट क्या करना है प्रिपेयर आर नेटवर्क डायग्राम एंड फाइंड क्रिटिकल पाथ नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना है और क्रिटिकल पाथ को डिटरमाइन करना है मिनिमम कम्पलिशन टाइम कैलकुलेट करना है फॉर द प्रोजेक्ट और इसके साथ साथ नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज के लिए टोटल फ्लोट को कंप्यूट करना है लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन तो सबसे पहले तो हम इसके रेफरेंस में नेटवर्क डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे और नेटवर्क डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा हमें पहले स्टार्टिंग एक्टिविटी देखनी होगी तो स्टार्टिंग एक्टिविटी क्या यहाँ पर ए इसको हम यहां रिप्रेजेंट करेंगे पहले क्योंकि ये स्टार्टिंग एक्टिविटी है इसका टाइम ड्यूरेशन आपको दे रखा है ए का दैट इज थ्री डेज ठीक है अब ए को फॉलो कर रही कौन कौन सी बी सी और डी ठीक है अब क्योंकि जो बी एक्टिविटी है वो लास्ट में जाकर आई के साथ में मर्ज हो रही है ठीक है तो इसको हम बाद में फॉलो करेंगे पहले हम सी और डी एक्टिविटी को फॉलो कर लेते हैं दिस इज एक्टिविटी सी दिस इज एक्टिविटी डी या के पास एक्टिविटी सी इसका टाइम आपके पास दे रखा है दैट इज सिक्स डेज एंड दिस इज एक्टिविटी डी इसका टाइम आपको पास दे रखा है थ्री डेज ठीक है नाउ एक्टिविटी बी की बात करते हैं तो एक्टिविटी बी को हम बिल्कुल डाउन में यहाँ रिप्रजेंट कर देते हैं दिस इज एक्टिविटी बी बी का टाइम ड्यूशन आपको दे रखा है टू डेज का ठीक है अब सी की तरफ मूव करते हैं सी को फॉलो कर रही है कौन सी को फॉलो कर रही है लेकिन सी से पहले जो डी है दो सी को फॉलो कर रही है ई e. ई e, e का टाइम ड्यूरेशन आपको दे रखा है सेवन डेज ठीक है अब आगे देखते हैं ना एफ एफ फॉलो कर रही है डी को ई e जो फॉलो कर रही है वो सी और डी डॉ को फॉलो कर रही है इसी वजह से मुझे सी और डी को डमी एक्टिविटी से ऐड करना पड़ेगा अब जो एफ है वो डी को फॉलो कर रही है एफ फॉलो कर रही है डी को और सी कॉमर डी को ई e फॉलो कर रहा है दोनों ही हमारे पॉइंट्स क्लियर हो गए यहां पर एफ का टाइम ड्यूरेशन आपको दे रखा है फोर डेज का ठीक है अब जी फॉलो कर रहा है ई e को जी फॉलो कर रहा है ई e को और जी का टाइम ड्यूरेशन दे रखा है आपको थ्री डेज अब देखिए यहाँ पर है ना जो F कॉमा एच है वो मर्ज एक्टिविटी है इसी वजह से और H फॉलो कर रहा है जी को तो जो H है उसे मुझे F पर मर्ज करना पड़ेगा तो ये आगे एक्टिविटी H और H का टाइम ड्यूरेशन आपको दे रखा है ट्वेंटी फाइव डेज अब F और H दोनों को फॉलो कर रहा है कौन I और आई बी के अकॉर्डिंग मर्ज एक्टिविटी है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इस I को B पर जाकर मर्ज करना पड़ेगा एक्टिविटी I, जो F कॉम एच को फॉलो कर रही है और इसका टाइम ड्यूरेशन दे रखा है टेन डेज अब यहां से मेरे पास एक्टिविटी आ गई ये B और I दोनों मर्ज हो गए और B और I को दोनों को कौन फॉलो कर रहा है J फॉलो कर रही है एक्टिविटी तो जे को मैंने यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर दिया दिस इज़ द एक्टिविटी जे और जे का टाइम ड्यूरेशन आपको दे रखा है दैट इज़ इक्वल टू ट्वेंटी डेज यहाँ तक क्लियर हो गया आप नंबरिंग दे देते हैं इसके ये आएगा वन ये आएगा टू ठीक है यह आएगा थ्री इसके बाद ये हो जाएगा फोर फिर ये फाइव हो जाएगा ये जाएगा सिक्स ये हो जाएगा सेवन अब सेवन के बाद ये हो जाएगा एट और इसकी नंबरिंग हो जाएगी नाइन अब मुझे हर पर्टिकुलर इवेंट के रेफरेंस में अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम और लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम को कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम हर इवेंट के रेफरेंस में ई e वैल्यूज़ और एल वैल्यूज़ को नोट कर देते हैं वन के रेफरेंस में ई वन एल वन टू के रेफरेंस में ई टू एल टू थ्री के रेफरेंस में ई थ्री एल थ्री फोर के रेफरेंस में ई फोर एल फोर फाइव के रेफरेंस में ई फाइव एल फाइव सिक्स के रेफरेंस में ई सिक्स एल सिक्स सेवन के रेफरेंस में ई सेवन एल सेवन एट के रेफरेंस में ईट एल एट और नाइन के रेफरेंस में ई नाइन एल नाइन अब मुझे इन ई e और एल वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है तो पहले मैं फॉरवर्ड पास मेथड मेथड्यूज करूँगा और इसके रूल के अकॉर्डिंग ई वन की वैल्यू रखेंगे हम जीरो के बराबर ना जीरो प्लस थ्री इजिकल टू थ्री थ्री प्लस सिक्स इजिकल टू नाइन लेकिन एक टाइम यहाँ से भी आएगा तो थ्री प्लस थ्री इजिकल टू सिक्स सिक्स प्लस जीरो इजिकल टू सिक्स हो जाएगा और एक टाइम आ जाएगा थ्री प्लस सिक्स नाइन तो हम इसकी वैल्यू को नाइन के इक्वल ही कंसिडर करेंगे ठीक है अब यहाँ से नाइन प्लस सेवन एजिकल टू सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस थ्री इजिकल टू नाइनटीन नाइनटीन प्लस ट्वेंटी फाइव यहाँ मर्ज हो रही है तो इसको फॉलो कर लेते हैं पहले तो हम तो यहाँ आएगा आपके पास ये थ्री प्लस थ्री सिक्स आ गया सिक्स प्लस फोर यह आएगा टेन लेकिन ये टेन आएगा यहाँ पर और यहाँ से नाइनटीन प्लस ट्वेंटी फाइव आएगा ये कितना जाएगा पच्चीस सौ दस पैंतीस सौ नौ चवालीस तो हम इसको फोर्टी फोर काउंट करेंगे अब इट विल बी काउंटेड इक्वल टू फोर्टी फोर तो ई सेवन की वैल्यू जाएगी आपके पास फोर्टी फोर क्योंकि जो आप जब सिक्स में फोर एड करोगे तो टेन आएगा और टेन और फोर्टी फोर में फोर्टी फोर मैक्ममम है इसी वजह से फोर्टी फोर को कंसिडर करेंगे यहाँ पर अब फोर्टी फोर में हम टेन करेंगे तो फिफ्टी फोर आएगा और एक वैल्यू यहाँ से आएगी थ्री प्लस टू इजगल टू फाइव तो फिफ्टी फोर ऑब्वियसली मैक्सिमम है दोनों में से तो फोर्टी फोर प्लस टेन फिफ्टी फोर रह जाएगा और फिफ्टी फोर प्लस ट्वेंटी देट इज़ सेवेंटी फ़ोर ठीक है अब हम बैकवर्ड पास मेथड यूज़ करके एल वैल्यूज़ निकालेंगे तो इसके लिए सबसे लास्ट वाली जो एल वैल्यू है उसको ई e के इक्वल e रख देंगे तो ये सेवेंटी फोर रख दिया जाएगा अब सब करते हुए चले जाइए सेवेंटी फोर में से ट्वेंटी माइनस करेंगे तो सात में से होगा पाँच चौबे हो 5, जाएगा चौबन में से दस माइनस करेंगे तो जाएगा चवालीस चवालीस में से पच्चीस माइनस करेंगे तो ये जाएगा आपके पास उन्नीस उन्नीस तो में से तीन माइनस करेंगे तो यह आएगा सोलह सोलह में से सात माइनस करेंगे यहां अब स्टॉप करना पड़ेगा अब पहले इसको फॉलो करना पड़ेगा मुझे ठीक है तो इसके लिए चवालीस में से आपको चार माइनस करने हैं तो चालीस आएगा ठीक है चालीस में चार माइनस करोगे तो आ आएगा आपके पास चालीस अब इस चालीस में से जीरो माइनस करोगे तो चालीस आएगा तो थ्री के रेफरेंस में और एक वैल्यू यहाँ से देखिए सोलह में सात गए तो नौ आएगा और चालीस और नौ में से मिनिमम कौन सा है नौ तो नौ को यहाँ हम कंसीडर करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी नाइन आ जाएगी ठीक है अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया हमारा अब इस नाइन में से सिक्स को माइनस करेंगे तो थ्री आएगा यहाँ फोर्टी में से थ्री को माइनस करेंगे तो थर्टी सेवन आएगा और यहां आपके पास फिफ्टी फोर है फिफ्टी फोर में से टू को माइनस करेंगे तो फिफ्टी फिफ्टी टू आएगा तो कौन सी वैल्यू कंसिडर करेंगे इसमें से हम नाइन माइनस सिक्स इजिकल टू थ्री वाली क्योंकि ये वैल्यू मिनिमम है इसमें से और थ्री में से थ्री को माइनस करेंगे तो कितनी आएगी जीरो हो जाएगी तो इस तरीके से हमारे पास हर इवेंट के रिफरेंस में ई e वैल्यूज और एल वैल्यूज ऑप्टेन हो चुकी हैं अब हम देखेंगे इसमें से क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं हमारी जहाँ ई वैल्यूज़ और एल वैल्यूज सिमिलर होंगी तो यहाँ सिमिलर है यहाँ भी सिमिलर है ई वैल्यूज़ और एल वैल्यूज़ यहाँ भी सिमिलर है यहाँ भी सिमिलर है यहाँ भी सिमिलर है नाइनटीन नाइनटीन यहाँ भी सिमिलर है यहाँ भी सिमिलर है और यहाँ भी सिमिलर है तो हमारे पास क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हो गई क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हो गई ए के बाद सी सी के बाद ई देखिए ए फिर सी फिर ई फिर जी फिर एच फिर आई और फिर जे ये क्या हो गई क्रिटिकल एक्टिविटीज हो गई तो हमारा पहला सॉल्यूशन निकल के आ गया यहां पर दैट इज क्रिटिकल एक्टिविटीज और क्रिटिकल एक्टिविटीज आ गई हमारे पास ए कॉमा सी कॉमा ई कॉमा जी कॉमा एच कॉमा आई और लास्ट आ गई जे ठीक है सेकंड मुझे निकालना है इसमें किटिकल पाथ तो किटिकल पाथ क्या होगा यहाँ पर देखिए किटिकल पाथ होगा हमारे पास वन से टू वन से टू टू से थ्री थ्री से फाइव फाइव से सिक्स सिक्स से सेवन सेवन से एट और एट से नाइन तो वन से टू से थ्री से फाइव फिर सिक्स फिर सेवन फिर एट और फिर नाइन ये होगा हमारा क्रिटिकल पाथ अब हमें क्या निकालना है इसमें ना हमें इसमें प्रोजेक्ट लेंथ निकालनी है तो प्रोजेक्ट लेंथ क्या करें जो क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं उनके टाइम ड्यूरेशन को ऐड कर दें तो ए का टाइम ड्यूरेशन है थ्री C का टाइम ड्यूरेशन है सिक्स E का टाइम ड्यूरेशन है सेवन G का टाइम ड्यूरेशन है थ्री H का टाइम ड्यूरेशन है ट्वेंटी फाइव आई का टाइम ड्यूरेशन है टेन और J का टाइम ड्यूरेशन है ट्वेंटी ठीक है अब इनको ऐड कर दीजिए और ऐड करके इसकी वैल्यूज़ नोट कर लीजिए तो ऐड कर दीजिए छ और तीन नौ और सात सोलह और तीन उन्नीस उन्नीस और पांच चौबीस और बीस चौवालीस और दस चौवालीस और दस चौवन चौवन और बीस चौहत्तर कितना activities आ गया सेवेंटी फोर क्या गया ये सेवेंटी फोर डेज सो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन करिकल एक्टिविटीज आ गई क्रिटिकल पाथ आ गया और प्रोजेक्ट लेंथ आ गई अब मुझसे कह रहा है कि यहाँ पर जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है उसके रेफरेंस में आप क्या निकालिए टोटल फ्लॉट निकालिए तो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी के रेफरेंस में टोटल फ्लॉट को निकालना है मुझे तो इसके लिए पहले देखना नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी है तो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी जहाँ हमारा टाइम ड्यूरेशन जहाँ ई वैल्यूज और ईल वैल्यूज़ इक्वल नहीं है तो केवल सिंगल क्रिटिकल वैल्यू है नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी तो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी Is, कौन सी है वो है आपके डायग्राम में दिखा देता हूँ एक बार आपको ये डायग्राम दे रखा है और इसमें ई e वैल्यूज और एल वैल्यूज सिमिलर नहीं है कहाँ यहां सिमिलर नहीं है सिक्स फोर्टी केवल और केवल यानी कि जो डी एक्टिविटी है टू फोर बाकी इसको छोड़कर हर जगह सिमिलर है ये देखिए आप पूरा प्रोजेक्ट में देख लीजिए हर जगह वैल्यू सिमिलर है लेकिन इस डी एक्टिविटी पर जो एक्टिविटी जो ई e वैल्यूज और एल वैल्यूज है वो सिमिलर नहीं है तो ये डी एक्टिविटी यानी कि टू टू फोर ये आपकी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी हो गई तो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी इज डी या हम इसको बोलेंगे टू, टू टू फोर ठीक है अब इसके रेफरेंस में हमें एक टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी जिसके बेसिस पर हम इसके टोटल फ्लॉट को कैलकुलेट करेंगे यहाँ लिखेंगे हम एक्टिविटी यहाँ इसका ड्यूरेशन इसको हम डिपेंड करते हैं टी आई जे से यहाँ लिखेंगे हम अर्लीस्टिंग स्टार्टिंग टाइम ई ई आई अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम ई जे और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे इक्वल टू ई आई प्लस टी आई जे ठीक है यहाँ लिखेंगे हम एल आई लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम और एल जे सॉरी अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम और ये लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम और एल जे को हमें दे रखा होगा और एल आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे एल जे माइनस टी आई जे इस फॉर्मू से इसको डिटरमाइन करेंगे ठीक है अब यहाँ निकालना है मुझे क्या टोटल फ्लॉट तो टोटल फ्लॉट को मैंने टी एफ से रिप्रेजेंट कर दिया और इसका फॉर्मुला क्या बनेगा दैट इज़ एल जे माइनस टी आई जी माइनस ई आई ठीक है अब एक्टिविटी के वाली एक ही है आपके पास और वो एक्टिविटी कौन सी है टू टू फोर इस एक्टिविटी टू टू फोर का जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपके पास दे रखा है थ्री डेज का ठीक है अब इसके रेफरेंस में ई आई की वैली कितनी है थ्री तो ई जी कितना रहेगा थ्री प्लस थ्री यानी कि सिक्स हो जाएगा और एल जी की वैल्यू कितनी दे रखी है इसके रेफरेंस में फोर्टी तो एल आई निकालने के लिए तीन माइनस कर देंगे उसमें से टी आई जे को माइनस करेंगे तो फोर्टी माइनस थ्री यानी कितना जाएगा थर्टी सेवन ठीक है अब टोटल फ्लॉट निकालना तो एल जे माइनस टी आई जे एल जे कितना आपके पास फोर्टी फोर्टी में से टी आई जे माइनस करिए टी आई जे का मतलब थ्री थर्टी सेवन और थर्टी सेवन में से ई आई थ्री को माइनस कर दीजिए कितना हो गया थर्टी सेवन माइनस थ्री यानी कि थर्टी फोर तो टोटल फ्लॉट कितना आ गया इसका थर्टी फोर कैसे निकाला हमने इसमें मैं लिख देता हूँ फिर एल जे का मतलब आपके पास फोर्टी फोर्टी में से आपने माइनस करा टी आई यानी कि थ्री को और इसमें से ही माइनस कर दिया आपने ए आई यानी कि थ्री को तो इस तरह से आपके पास टोटल फ्लॉट कितना गया थर्टी फोर डेज तो इस तरह से हम नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी के रेफरेंस में टोटल फ्लॉट को कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज़ क्लियर थैंक यू